जो संघ संपूर्ण प्रवेश फी देईल त्या संघाला संपूर्ण पारितोषिक दिले जाईल, या आयोजकांच्या वतीने सूचना आहे। थँक्यू सो मच, थँक्यू डीजे मास्टर। सामना सुरू होत आहे। आजच्या रात्रीमधील पहिला सामना बल्ल्यांनी विपक्ष प्रिन्स इलेव्हन गोठेकर बी, गेम ऑन। पहिला चेंडू पंच डेट चेंडू घोषित करतायत। चार षटकांचा सामना असेल। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विघ्न कुर्मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा गणपती आपल वंदन करतो। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करून मी माझी सुरुवात करतो आहे। पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि चेंडूचा कोणताही संपर्क नाहीये। गणेश डिंगोरे यांनी त्याला साथ देतो आहे। फलंदाज रोहन ही जोडी आहे। प्रिन्स इलेव्हन गोठेकर बी, विपक्ष बल्ल्यांनी। यावीस सॉफ्ट हँडने खेळतायत। मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत आणि मिळते एक धाव्या चेंडूवरती। या एका धावेने श्रीगणेश होतोय। बॅटिंग करणाऱ्या गोठेकर बी या टीमची धावसंख्या आहे एक। एमपी स्पोर्ट्स बल्ल्यांनी बॅट चिकडा आहे आणि सॉफ्ट डिसमिसल। सुरेख झेल टीपला आहे, थर्ड मॅनला लागतो आहे पहिला मोठा धक्का गोठेकर बी या टीमला। फलंदाज रोहन बॅक टू द पवेलियन। तो न्यू बॅट्समन येतोय तिसऱ्या क्रमांकावरती, रवी डिंगोरे। रवी डिंगोरे आणि गणेश डिंगोरेला इथून मात्र एक चांगली पार्टनरशिप बनवावी लागेल। योगेश शेटकडू आणि निलेश शेटकडू पुरस्कृत संघ आपण पाहतोय।
गोठेगर बी संघ मिस टाइमिंग आहे, झेलची शक्यता असेल, सॉफ्ट डिसमिसल, सुरेख झेल टिपलाय, लॉन्ग ऑफ सीमा रेषेवरती लागतोय, दुसरा मोठा धक्का, रवी डिंगोरे शून्यवरती बाद। थैंक यू सो मच। बघा जगदीश वाघमारे जे आयोजक आहेत त्यांनी सांगितलं आहे पहिल्या तीन षटकांसाठी 15 मिनिटांचा वेळ असेल आणि जर 16 मिनिटे झाली तर पाच एक्स्ट्रा प्लेयर, यस पाच प्लेयर 30 सर्कल मध्ये असतील शेवटच्या षटकामध्ये, याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे। पेनल्टी स्वरूपामध्ये नक्कीच एक्स्ट्रा प्लेयर तुमचा 30 सर्कल मध्ये येईल। हॅट्रिक ची संधी आहे आणि हॅट्रिक पूर्ण केली आहे या स्पर्धेमधील ही पहिली विकेट हॅट्रिक पूर्ण करतोय गोलंदाज फैजू शेख ने, या स्पर्धेमधील ही पहिली विकेट हॅट्रिक नोंदवली आहे। थँक्यू सो मच। लाख मुलाचं आयोजन आपण पाहतो आहे। जय मल्लार क्रिकेट संघ, टिटवाला संतोष अप्पा तरे प्रतिष्ठान, टिटवाला अमिषेट तरे, जगदीश वाघमारे आणि शुभम तरे यांच्या माध्यमातून स्वर्गीय अनिल शेठ काशीनाथ तरे स्मृतिचषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतो आहे। स्विंग अनामिस येतोय डॉट बॉल आणि पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती गोठेकर बी या टीमची 3-1। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल आपल्या व्यासपीठावरती पत्रकार संभाजी मोरे यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे। पहिल्या क्रमांकासाठी 1,00,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे। फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे बल्ल्यांनी संघ। बघा टाइम सुरू आहे, 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं तुम्हाला टाकावी लागतील। रोशन भगत, अविनाश भगत, सूरज, ही सूचना असेल बल्ल्यांनी या संघाला, ही सूचना असेल सर्वच संघांना जे क्षेत्रक्षण करतील। 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं तुम्हाला टाकावी लागतील अथवा 16व्या मिनिटाला एक खेळाडू तुमचा अतिरिक्त सर्कलमध्ये येईल, याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे। यावीस फटका चांगला आहे, चेंडू जाईल फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार येतोय फलंदाज गणेश डिंगोरेच्या बॅट मधून। थँक्यू सो मच। यासीन मोगल यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल फैजूसाठी, विकेट हॅट्रिक ज्यांनी नोंदवली त्यासाठी नक्कीच फैजूसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे यासीन मोगल यांच्याकडून। सौदीवरून ते सामना युट्यूबच्या माध्यमातून पाहतायत, लाऊड अपील करतात, कॉट बॅनची अपील फेटाळली आहे। बाळा इकारे सर आहेत पंचांच्या भूमिकेमध्ये आणि येतो आहे डॉट बॉल। धावसंख्या स्थिर आहे, धावफलकावरती 5 धावा,
तीन बाद पांच अशी धावसंख्या आहे। यापुढील सामना असेल जय मल्हार टिटवाला विपक्ष जय जलेश्वर वाडेकर। फुल टॉस चेंडू आहे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक आपण पाहतो, एका हातामध्ये झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला होता। डीप मधून क्षेत्रक्षक येत आहेत, तोपर्यंत मिळतात या दोन धावा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, धावसंख्या दोनने पुढे सरकेल। सात धावा धावफलकावरती आहेत, चार षटकांचा सामना आहे। चार षटकांमध्ये 35 ते 40 धावा बनवावे लागतील प्रिन्सी इलेव्हन गोठेकर बी या टीमला। पहिल्या फेरीमधील पहिला सामना सुरू आहे, एमपी स्पोर्ट्स बल्ल्याने विपक्ष प्रिन्सी इलेव्हन गोठेकर बी। यॉर्कर चेंडू परफेक्ट, यॉर्कर पूर्णपणे बीट केलाय, शांत ठेवलाय गोठेकर बी या टीमला। गणेश डिंगोरे रन मशीन आहे गोठेकर बी या टीमची, तो देखील संघर्ष करतोय, मोठे फटके येत नाहीयेत। या विसला अपडेटेड बिगिट केला, क्षेत्ररक्षक उपस्थित, ते फक्त बनतील प्रेक्षक आणि चेंडू जाईल मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर। संघर्षाचा शंखनाद करणारा हा पहिला संघर्षमय षटका ठोकलाय फलंदाज गणेश डिंगोरेने। पहिल्या षटकानंतर चेंडू हरवला, फुटला, खराब झाला, तर चेंडू जुना असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे। आणि पहिल्या षटकाच्या आतमध्ये चेंडू नवीन असेल ही सर्व संघांना सूचना असेल। पहिल्या षटकानंतर चेंडू हरवला, फुटला, खराब झाला, तर चेंडू असेल जुना आणि पहिल्या षटकाच्या आतमध्ये चेंडू असेल नवीन। धावसंख्या 13, नऊ मिनिटं झालेली आहेत आणि षटक क्रमांक हे दुसरं सुरू आहे। बॅक टू द बॉलर कळत आहेत, धावपाची संधी असेल, चेंडू उचलण्यासाठी वेळ घेतला, त्याचाच फायदा घेतला। साहिल होते गोलंदाज, फॉलो थ्रू मध्ये थोडस खराब क्षेत्ररक्षण मिळते। एक धाव आणि पहिल्या दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 3-14। तीन बाद 14 अशी धावसंख्या आहे पहिल्या दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर। बल्ल्यांनी संघ बघा एकत्र येऊ नये, आधीच उशीर झालेला आहे, 9 मिनिटं झालेली आहेत, दोन षटक आपण हाताळलेली आहेत, त्यामुळे विनंती असेल सामना आपण स्पीडअप करायचा आहे। आपल्याकडे 11 मिनिटांचा वेळ आहे दोन षटकांसाठी। जय जलेश्वर वाडेकर आणि जय मल्हार टिटवाला या दोन टीममध्ये असेल यापुढील सामना। तुषार येतोय नवीन गोलंदाज आणि स्ट्रायकिंगला फलंदाज गणेश डिंगोरे। राईट अमोर द विकेट तुषार, यावीस लॅप स्ट्रोक, दिल स्कूप, चेंडू जातोय बाउंड्री लाइनच्या बाहेर, वन बाउंस ओवर द लाइन चौकार। फटका पेटर्न स्ट्रोक आहे, ट्रेडमार्क स्ट्रोक आपण पाहतोय गणेश डिंगोरेचा, सर्वात आवडता हा फटका आणि त्या फटक्यावरती मिळत आहेत चार धावा। धावसंख्या धावफलकावरती आहेत 18। तुषार ओवर द विकेट, अजून एक चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय, अपीश अँड पणी, चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, बॅक टू बॅक येतोय, हा दुसरा चौकार
फलंदाज गणेश डिंगोरे बैट मधून। धावसंख्या 22, रन मशीन आहे गोठेकर बी या टीमची। फलंदाज गणेश डिंगोरे ऑन फायर, चौकार षटकरांची आतिषबाजी, क्लीन बोल्ड, यस ते उद्ध्वस्त दांडी गोल, यू मिस, आई विल डेफिनेटली इट। फलंदाज झालाय बाद, बिग विकेट डाउन, बिग लॉस, गणेश डिंगोरे बैक टू द पवेलियन। न्यू बैट्समन येतोय गोठेकर बी या टीमचा, जेन्युइन ऑलराउंडर आतिष भांडे। सहाव्या क्रमांकावरती येतोय, कारण की चार बाद, धावसंख्या आहे 22, खूप चांगली बॅटिंग केली ती म्हणजेच गणेश डिंगोरेने वैयक्तिक 22 धाव बनवल्या आणि संघाची धावसंख्या देखील 22 आहे। तुषार राईट मोर द विकेट, या 20 लॉफ्ट डीट आणि चेंडू जाईल मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर, आकाशाला गवसणी घालणारा गगनचुंबी गगनबेदी आउट ऑफ द पार्क, बिग हिट षटकार। सो मच शहापूर तालुक्यातील संघ आपण पाहतोय गोठेकर बी। या सीजन मध्ये शहापूर तालुक्यातील दोन संघ चर्चेमध्ये आहेत, एक म्हणजे गोठेकर बी आणि दुसरं म्हणजे बेस्ट ऑफ बोरशेती। उद्या त्या संघाला इन ऍक्शन मध्ये आपण पाहू शकाल आणि उद्या खऱ्या अर्थाने पर्वणी असेल, कारण की दिग्गज संघ इन ऍक्शन मध्ये असतील। फटका फसलाय, फलंदाज झालाय बाद, लागतोय अजून एक धक्का, आतिष भांडे बॅक टू द पवेलियन। विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपलं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे। लेजंड क्रिकेटर वाडेकर या टीमचे आणि सिद्धू पाटील यांना विनंती असेल आपण या मुख्य व्यासपीठावरती आपलं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे। ड्राईव्ह करतात अलॉंग द कार्पेट, चेंडू जातोय स्क्रीन समोर, फटका चांगला आहे, गॅप शॉट सिलेक्शन, स्किलिंग शॉट टेकिंग गॅप, चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, दणदणीत खणखणीत चौकार। सो मच याच दरम्यान आपण बघू शकाल आपल्या या मुख्य व्यासपीठावरती या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक
आदरणीय शुभम तरे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांच्या वडिलांच्या नावाने आपण ही स्पर्धा पाहतोय। स्वर्गीय अनिल शेठ काशीनाथ तरे स्मृती चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन जय मल्हार क्रिकेट संघ टिटवाला आणि संतोष अप्पा तरे प्रतिष्ठान टिटवाला, अमित शेठ तरे, जगदीश वाघमारे आणि शुभम शेठ तरे यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय या स्पर्धेचं आयोजन। विनंती आहे नक्कीच जय मल्हार टिटवाला या टीमचे खेळाडू आहेत, थोडंसं बाजूला व्हायचं आहे। व्यासपीठावरून ही सूचना येते, अमित तरे आणि जगदीश वाघमारे ही टिटवालाची एवन जोडी आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून हे एवन आयोजन आपण पाहतोय या स्पर्धेचं। या पुढील सामना असेल जय जलेश्वर वाडेकर आणि जय मल्हार टिटवाला, यजमान विपक्ष पाहुणे हा सामना आपण पाहू शकाल, कारण की आयोजकांचा संघ इन ऍक्शन मध्ये असेल या पुढीलच्या सामन्यामध्ये आणि त्यांच्या समोर फिरकीचं माहेरघर ज्या संघाला म्हटलं जातं वाडेकर संघ। गोलंदाज सचिन, स्विंग मेस, प्रचंड वेग आहे गोलंदाज सचिन कडे आणि पहिल्या चेंडूवरती इम्प्रेस केलंय, प्रभावित केलंय। इथं डॉट बॉल यस्टेनच्या पाठीमागे आपण पाहू शकाल मास्टर माइंड रोशन भगत, खूप मोठं नाव आहे बल्ल्यांनी या टीमच्या माध्यमातून। समर इन डिलिव्हरी, कीपर बीट झाले रोशन भगत, त्याचाच फायदा घेतला, व्हाईट प्लस वन। एकूण दोन धाव मिळत आहेत अवांतरच्या स्वरूपात, धाव धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय 34-34 धावा। आजचा दिवस देखील प्रेक्षकांसाठी पर्वणी आहे, कारण की आज देखील तारे सितारे इन ऍक्शन मध्ये असतील। या पुढील सामना वाडेकर विपक्ष टिटवाला, तिसरा सामना महाकाल मांडा विपक्ष मोठागाव, चौथा सामना असेल वारेट विपक्ष गौरीपाडा आणि शेवटचा सामना आरसीसी राया विपक्ष शेई। या दोन संघांमध्ये चेंडू जाईल मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर, षटकार। डीजे मास्टर धावसंख्या धावफलकावरती आहे 40 धावा, सन्मानजनक धावसंख्या बनवली, फाइटिंग टोटल उभी केली आहे या मॅच मध्ये गोठेकर बी या टीमने। निलेश कडू पुरस्कृत संघ आपण पाहतोय, प्रिन्सी इलेवन गोठेकर बी आणि त्यांना फाइट करतोय एमपी स्पोर्ट्स बल्ल्यांनी। लाईन पाहावी लागेल, लाईन चुकीची आहे, पंचांचा इशारा येतो वाईट बॉलचा। धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 41, 41 धावा धावफलकावरती आहेत। दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय मयूर शेठ पाटील साहेबांचा संघ आहे एमपी स्पोर्ट्स बल्ल्यांनी, जे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे कार्यसम्राट नगरसेवक आणि पंचायत समिती कल्याणचे सदस्य देखील आहेत। धावसंख्या धावफलकावरती आहेत 42 धावा 42 आणि चार चेंडू शिल्लक आहेत, चांगली धावसंख्या बनवली आहे। गणेश डिंगोरेने सुरुवात खूप चांगली करून दिली, पहिल्या षटकामध्ये फैजू शेखने विकेट हॅट्रिक नोंदवली आणि फक्त एकच धाव खर्च केली। त्यानंतर आपण पाहतोय साहिल तुषार आणि सचिनचा खरपून समाचार घेतला जातोय गोठेकर बी या टीमच्या माध्यमातून। इनफॉर्म संघ आहे, खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे गतवर्षीपासून गोठेकर बी संघ। नेक्स्ट मॅच जय मल्हार टिटवाला आणि जय जलेश्वर वाडेकर, या दोन संघांमध्ये शॉर्ट आर्म पूल आणि चेंडू जाईल मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर, षटकार। सुस्वागतम 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 गोटसई ग्रामपंचायतचे विद्यमान सदस्य आणि
टिटवाला शहराचे प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय मनोज पवार साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा यशस्वी बनवण्यासाठी या स्पर्धेमधील दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रक्कम 50,000 रुपयांचं पारितोषिक लाभलेलं आहे। आणि त्यांच्या समवेत आनंद जाधव साहेब देखील उपस्थित आहेत, उद्योजक समाजसेवक। आणि त्यांच्या माध्यमातून तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रक्कम 25,000 रुपये लाभलेले आहेत। या दोन्ही दानशूरदात्यांचं आयोजकांच्या वतीने लाख लाख आभार व्यक्त करतोय। यावी सुख केलाय आणि चेंडू जाय लॉन्ग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर, बॅक टू बॅक येतोय हा दुसरा षटकार फलंदाज मनीषच्या बॅट मधून। अमित आहेत, चेंडू द्यायचा आहे, विनंती असेल। आपल्या व्यासपीठावरती आपण पाहू शकाल आदरणीय मनोज पवार साहेब उपस्थित आहेत, एक दानशूर व्यक्तिमत्व, एक दिलदार व्यक्तिमत्व। आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमधील पारितोषिक आहे दुसऱ्या क्रमांकाचं, रोख रक्कम 50,000 रुपयांचं पारितोषिक लाभलेलं आहे। आणि त्यांच्यासोबत टिटवाला शहराचे प्रसिद्ध उद्योजक आदरणीय आनंद जाधव साहेब देखील उपस्थित आहेत। आणि त्यांच्या माध्यमातून 25,000 रुपयांचं पारितोषिक लाभलेलं आहे। लाभते डीट क्षेत्ररक्षक उपस्थित सूरज भगत, खूप चांगला झेल पकडलाय, फलंदाज झालाय बाद लागतोय, अजून एक धक्का अमित बॅक टू द। त्यासाठी आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये जय जलेश्वर वाडेकर आणि जय मल्हार टिटवाला या दोन संघांमध्ये यापुढील सामना असेल। आजचा दिवस आणि उद्याचा दिवस प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असेल, कारण की आज देखील तारे सितारे इन ऍक्शन मध्ये असतील आणि उद्या आरसीसी पेठ या टीमला आपण इन ऍक्शन मध्ये पाहू शकाल। गोरसई बी संघ देखील येणार आहे उद्या खेळण्यासाठी, भावेश पवार अँड कंपनी। अंतिम चेंडू शिल्लक आहे, निष्ठानिक स्ट्रोक, झेलची शक्यता असेल, कॉटन बॉल झेल ड्रॉप केलेला आहे। कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा झेल आणि जिंक हा क्रिकेटचा खेळ। धावबाची संधी आणि फलंदाज होईल बाद, शेवटच्या चेंडूवरती सांघिक यश मिळतंय। आणि चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आहेत, 56 धावा आणि 57 धावांचं टार्गेट सेट केलेलं आहे बल्ल्यांनी या टीम समोर, प्रिन्सी 11 गोटेगर बी या टीमने। तर टॉस आपण करूया, जय जलेश्वर वाडेकर आणि जय मल्हार टिटवाला या दोन टीम मध्ये मनोज पवार साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण आणि अनंत जाधव यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा आहे। टॉस 56 धावा धावफलकावरती आहेत आणि 57 धावांचं लक्ष आहे। घोटसई ग्रामपंचायतचे विद्यमान सदस्य आणि टिटवाला शहराचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय मनोज पवार आणि आनंद जाधव साहेबांचे शुभ हस्ते आपण टॉस करूया। खऱ्या अर्थाने त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी 50,000 रुपये आणि 25,000 रुपयांचं पारितोषिक लाभलेलं आहे। तर आपण टॉस करूया, मनोज पवार साहेबांच्या आनंद जाधव साहेबांच्या शुभ हस्ते। छापाचा कॉल आहे,
आणि आलेला आहे काटा। टॉस जिंकलेला आहे जय जलेश्वर वाडेकर या टीमने। अतुल टॉस जिंकलाय, चेसिंग कंपल्सरी आहे, टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करू। चार षटकांचा सामना आहे, समोरचा संघ नक्कीच यजमान संघ आहे, आयोजक संघ इन ऍक्शन मध्ये असेल जय मल्ला टिटवाला संघ, जो संघ खेळणार आहे घरच्या मैदानावरती। तर चार षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? तरी पण 40 च्या खाली रोखण्याचा प्रयत्न करू। या आयोजनाबद्दल काय म्हणणं असेल? आपण अनेक स्पर्धा खेळता, परंतु या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे की सर्वात कमी प्रवेश फी 10,000 रुपये प्रवेश फी आहे, आणि नाईट क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन पहिल्या क्रमांकासाठी 1,00,000 रुपये आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी 2-व्हीलर बाईक देखील आहे। या संकल्पनेबद्दल, या आयोजनाबद्दल काय म्हणणं असेल? नक्कीच आयोजन तर चांगलंच आहे ना, कमी प्रवेश फी आता कुठे बघायला भेटत नाही, कुठे जाईल तिथे 20 ते 25,000 एंट्री असतेच। तर नक्कीच शुभेच्छा असतील सामन्यासाठी। जगदीश आहेत, प्रचंड मेहनत या स्पर्धेसाठी आहे, कारण की थोडीशी दमछाक देखील होती तुझी, परंतु सामना खेळायचा आहे, चार षटकांचा सामना आहे, प्रथम बॅटिंग करावी लागेल, टॉस गमावलाय, चार षटकांमध्ये किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल? 40 ते 45। जे 50 संघ खेळत आहेत त्या 50 संघांना काय संदेश देतील, कारण की वेळेवरती सामने सुरू होत नाहीयेत, तुम्ही आयोजक आहेत, वेळेवर यायला सांगेन एवढंच। नक्कीच शुभेच्छा असतील सामन्यासाठी। टॉस बॉक्स मधून माहिती ते टॉस जिंकलेला आहे तो म्हणजे जय जलेश्वर वाडेकर या टीमने, आणि त्यांनी स्वीकारलंय क्षेत्ररक्षण। यापुढील सामना असेल वाडेकर विपक्ष टिटवाला या दोन संघांमध्ये, विद्यमान सामना सुरू आहे, जिथे बनवायचे आहेत 57 धावा, 14.25 च्या सरासरीने प्रतिषटकामागे धावा बनवावे लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी। 24 चेंडू आणि 57 धावांचं टार्गेट आहे, आणि जेव्हा खेळायचं दुसरं सत्र सुरू होईल या ऐकूया आपण। मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ पनवेल, आमचे गुरुवर्य आदित्य जाधव यांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत खेळाच्या या दुसऱ्या सत्रामध्ये। यस लेट्स प्ले। दोस्तों आप देख रहे लेट अनिल सेठ पाटिल मेमोरियल कप 2023 A1 जोड़ी शुभम सेठ तरे और अमित तरे, साथ ही साथ जय मल्लार क्रिकेट क्लब एंड संतोष तरे प्रतिष्ठान टिटवाले की देन। मुकाबला इस वक्त गोटेगर बी बनाम बल्लानी के बीच में हम देख रहे, चार ओवर में जीतने के लिए जो लक्ष्य रखा है 57 रनों का। गोटेगर बी नेरे पनवेल ट्रॉफी की विजेता टीम हम देख रहे। मैच की पहली गेंद लेकर आते हुए आतिश भांडे, छोड़ दिया, जाने दिया है ऑफ स्टंप के अधिक बार, व्हाइट का इशारा आता हुआ, एक्स्ट्रा के मदद के साथ खाता खुलता हुआ बल्लानी टीम का। लक्ष्य को अगर देखा जाए जिस तरह से 57 रन बने, कमाल की बल्लेबाजी की थी ओपन में आए हुए बैट्समैन गणेश डिंगोरे ने। आतिश भंडे की अगली गेंद थोड़ा सा उछाल था, मिसफील्ड, बैकअप के लिए कोई भी खिलाड़ी नहीं, पीछे गेंद चली गई डीप कवर पॉइंट के बाहर 4 रन के लिए। तरह से मिसफील्ड हुई थी और गेंद चली गई थी मैदान के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ व्हाइट का इशारा आता हुआ, दूसरा व्हाइट हम इस ओवर में देखते हुए आतिश भांडे जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे, मैंडेटरी पावर प्ले इस वक्त चलता हुआ। शुरुआत तो हम कह सकते बहुत अच्छी है, अब तक 6 रन बने बिना किसी नुकसान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आतिश की अगली गेंद, गेंद को वैकेंट एरिया में खेला है, गेंद पीछे जा रही है, खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए 4 रन।
लगभग अपर कट जिस तरह से रिप्ले में बताया गया था, छोटी गेंद थी, शरीर से थोड़ा दूर रखा था बैट्समैन रोशन से और वेकेंट एरिया में गेंद चली गई थी, खाली क्षेत्र में। पावर प्ले का लाभ उठाते हुए बैट्समैन रोशन रन संख्या दोनों अंकों में डबल फिगर में प्रवेश करता हुआ 10। देखिए अब कहीं ना कहीं चिंता इस वक्त पावर प्ले में बढ़ती हुई गोटेगर बी टीम के। दोस्तों आप देख रहे हैं लेट टिटवाले की बहुत मशहूर शख्सियत अनिल सेठ तरे मेमोरियल ट्रॉफी 2023 एवन जोड़ी शुभम सेठ तरे, अमित तरे एंड जय मल्लार क्रिकेट क्लब, साथ ही साथ यंग एंड डैशिंग एंड डायनामिक कॉर्पोरेटर संतोष सेठ तरे प्रतिष्ठान की देन। खेल की शुरुआत होती भी जिस तरह से शुरुआत की बैट्समैन रोशन ने आतिश भंडे के सामने आक्रामक रूप धारण करते हुए खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद शरीर को निशाना बनाती हुई, सवाल पूछा था लेकिन अपील में विश्वास उतना नहीं था, उत्साह ज्यादा था गेंदबाज आतिश भंडे का और इस बीच गेंद अच्छी निकलती हुई। सम्माननीय योगेश पाटिल एंड सम्माननीय किरण पाटिल साहब का आगमन होता हुआ, मोस्ट वेलकम सर आपका लेट अनिल सेठ तरे मेमोरियल ट्रॉफी 2023 में एवन जोड़ी और जय मल्लार क्रिकेट क्लब की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जारी, डीप स्क्वायर लेग पर दूर से खिलाड़ी आते हुए, अब जाके गेंद को उठाते हुए खिलाड़ी, इस बीच समय था बैट्समैन रोशन के पास दो रन पूरे करने का। इन दो रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती भी 12 पर। सम्माननीय किरण पाटिल साहब का आगमन होता हुआ, मोस्ट वेलकम सर आपको वीआईपी डाइस पर आकर वीआईपी डाइस की शान और शोभा को बढ़ाना है। सम्माननीय अजिंक्य साहब धोने उनका भी आगमन हो चुका है, बोल्ड पहला विकेट गिरता हुआ, बल्लेबाजी टीम का रुका हुआ स्कोर 12 पर। और पावर प्ले का अगर खेल देखा जाए तो अभी तक अच्छा चलता हुआ, क्योंकि रन भी बने और एक विकेट जो ओपन करने के लिए थे रोशन इस पर डगआउट में जा चुके, शरीर से दूर रखा था, पूरी लंबाई की गेंद थी, बीट भी बैट्समैन, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रोशन आउट होने के बाद देखिए 8:34 पर पहली गेंद डाली गई थी इस दूसरे इनिंग की और भारतीय समय के अनुसार इस वक्त 8:39 हो चुके, 4 ओवर के लिए केवल आपके पास 20 मिनट का समय है। गोटेगर बी टीम का अगर आकलन किया जाए तो शाहपुर और कसारा इस परिसर की नंबर 1 की टीम है, साथ ही साथ वो भिवंडी में भी खेलते, रायगढ़ और पनवेल के परिसर में भी खेलते। अभी जो पिछले कुछ दिन पहले जो नेरे रायगढ़ पनवेल में जो टूर्नामेंट हुआ था उसकी विजेता टीम है गोटेगर बी, कागज पर बहुत लंबी और स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है गोटेगर बी की।
दूसरे ओर के लिए गेंदबाज आदिनाथ अत्याभ और दी विकेट, पहली गेंद ऑन साइड में खेल दिया है, गेंद जा रही है डिप स्कॉलर के ऊपर से चार अंक के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, उसको केवल दिशा दी थी और गेंद चली गई थी डीप स्कॉलेज पर चार रन के लिए। हमारे बीच में इस वक्त सम्माननीय सौरभ टेमरे साहब का आगमन हो चुका है, उनसे निवेदन आपको वीआईपी डाइस पर आना और वीआईपी डाइस की शान और शोभा बढ़ानी है। साथ ही साथ अजिंक्य ढोने साहब आपसे भी निवेदन है, इस वक्त मुझे कॉमेंट्री के लिए जिन्होंने मौका दिया मेरे काबिल दोस्त शुभम सेठ तरे, उनका भी हम विशेष आभार व्यक्त करते। लगभग 13 साल पुरानी हमारी दोस्ती आज भी वो जिंदा है। यूनिवर्सल टेनिस क्रिकेट हम यूटीसी का टेलीकास्ट देखते हुए आदिनाथ की अगली गेंद स्विच हिट इंप्रोवाइजेशन कर दिया है, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन आउटफील्ड बहुत तेज और कड़क, बाला इकारे का 4 रन का इशारा था। बा गोटेगर बी की गेंदबाजी बहुत मजबूत है हम देखते हैं और मजबूत गेंदबाजी के सामने इस वक्त अब वार हो रहा है आदिनाथ के सामने, अब तक 2 चौके ठोक दिए आदिनाथ, और दी विकेट उठाने की कोशिश, स्विंग एंड मिस, गेंद लहराती भी विकेट कीपर के पास। ये देखिए रिप्ले में किस तरह से बीट हुए थे बैट्समैन सूरज, डाउन दी विकेट खेलने की कोशिश, वी के शक्ल में गेंद डीप में लॉन्ग ऑफ पर चली गई है, 1 रन सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 57 का लक्ष्य है, अभी तक 21 बने। जिस तरह से टिटवाला से दिल्ली दूर नजर आ रही है, अब मैच भी कहीं ना कहीं दूर नजर आता हुआ बल्लेबाजी टीम को। नए बैट्समैन आमर अब स्ट्राइक पर आते हुए जो नंबर 3 पर आते बल्लेबाजी करने के लिए। आदिनाथ उछाल दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस डाउन दी विकेट, स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन। अच्छा कैमरा वर्क, गेंद जा रही है और उनके स्लॉट में थी गेंद, जब बैट्समैन के स्लॉट में मिलती है तो लोगों के प्लॉट में गेंद नजर आती है भी। क्या शॉट खेला था, फ्लरिश देखने लायक थी, गजब का शॉट, डाउन द विकेट 6 रन। रन संख्या आगे बढ़ती है भी 27 जीतने के लिए, अब यहां से अगर देखा जाए तो 30 रनों की जरूरत है। आदिनाथ राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटी हुई गेंद और उसको भेज दिया है, 6 रन। आदिनाथ लगभग हाफ ट्राई करके थी, छोटी गेंद और पिक किया था सुलेन को मिडल ऑफ द बैट और तान दिया था मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। लगभग 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 33। पानी की इस वक्त मांग की है, दूसरे ओवर में इस वक्त 21 रन खर्च किए आदिनाथ ने। लगभग मुकाबला अगर गोटेगर बी यहां से अगर
हार जाती तो फिर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन अभी भी दो ओवर का खेल शेष है और जीतने के लिए इस वक्त कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 गेंदे और 24 रनों की जरूरत है। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। गेम प्लान इस वक्त भी नजर आता होगा बल्लेबाज अमर और सूरज का। देखिए जो शुरुआत रोशन ने दी थी पावर प्ले के ओवर में, आतिश भंडे जैसे मजबूत गेंदबाज के सामने उन्होंने 12 रन बनाए थे। उसके बाद सूरज स्ट्राइक पर आए, अच्छी बल्लेबाजी की, दो चौके लगाए, उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट किया और अमर ने बैक टू बैक जो दो सिक्सर लगाए। हालांकि जिस तरह से उन्होंने पहला सिक्सर लगभग डाउन दी विकेट खेला था और उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से तेज गेंद को पिकअप किया था और गेंद को भेज दिया था आउट ऑफ द पार्क 6 रन। 12 गेंदों का अब तक खेल हो चुका है, 33 रन बने और बची हुई 12 गेंदों पर 24 रन चाहिए इस वक्त हमारे ऑफिशियल स्कोरर बताते हुए। हमारे ऑफिशियल स्कोरर सौरभ हक्के इस वक्त और उनको हक है स्कोरिंग करने का। देखिए कमेंट्री बॉक्स के सामने जो इस वक्त खिलाड़ी है वाडेकर टीम, आपको थोड़ा साइड में जाना है। खेल की शुरुआत होती भी तीसरे ओवर के लिए प्रीतम जोशी बायात के तेज गेंदबाज, पहली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे बैट्समैन, अंपायर से कुछ भी मांग रहे थे, मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, छिनना पड़ता, गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। गुटेकर इतनी आसानी से मैच को नहीं छोड़ सकती है, बहुत मजबूत और कंप्लीट और क्लियर स्ट्रिक टीम है इस वक्त। सूरज के लिए प्रीतम जोशी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए टिटवाला एंड के जानिब से बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद जारी है लॉन्ग स्टॉप पर, 4 रन शॉर्ट थर्डमैन की खिलाड़ी को गेंद बीट करके चली गई थी डिप में 4 रन के लिए। गेंदबाजी बल्लेबाजी होती है जिस तरह से प्रीतम जोशी गेंदबाजी करे, छोटी गेंद लेकिन ज्यादा बाउंस, व्हाइट का इशारा था वा, दबाव दबाव और दबाव अब प्रीतम जोशी के ऊपर नजर आता वा। एक बाउंसर अब कर चुके इस वक्त बताते हुए मुख्य अंपायर, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 38 एक विकेट के नुकसान पर, चिंता इस वक्त बढ़ती हुई घोटेगर बी टीम के लिए। बहुत कुछ डिपेंड करता है प्रीतम जोशी के गेंदबाजी के ऊपर। बोल्ड लगभग प्ले डाउन हुए वहां पर बैट्समैन सूरज। लगने के बाद स्टंप से टकराती भी विकेट नंबर 2 गिरता होगा बल्लेबाजी टीम का। दोस्तों आप देख रहे लेट अनिल सेठ तरे मेमोरियल ट्रॉफी, जय मल्लार क्रिकेट क्लब एंड यंग एंड डैशिंग एंड डायनामिक कॉर्पोरेटर सम्माननीय संतोष सेठ तरे प्रतिष्ठान एवं जोड़ी अमित तरे और शुभम तरे की देन आप दोस्तों देख रहे। नाइट फॉर्मेट में हम देख रहे इस शो को। तीसरे ओवर का खेल जारी है, अब तक 5 रन उन्होंने खर्च किए और बहुत क्रुशियल मोमेंट पर अपने ओवर में विकेट लिया है सेट बैट्समैन सूरज का, नए बैट्समैन सचिन। प्रीतम जोशी को जिस काम के लिए इस वक्त लगाया था उस काम को
पूरा करते हुए टीम को ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और सही समय विकेट हासिल करते हुए गोटेगर टीम के लिए। खेल दिया ऑन साइड में, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर लेग, चार रन, नो का इशारा आता है इस वक्त। शायद ओवर स्टेपिंग किया था और हमारे इस वक्त ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बताती है भी ओवर स्टेपिंग के लिए इस वक्त रिव्यू सिस्टम अवेलेबल नहीं है। धन्यवाद डीजे वाडेकर के कैप्टन, आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ संपर्क करना है। इन पांच रनों के साथ 43 पर जाता हुआ स्कोर, 43 फ्रीट का इशारा, ओवर स्टेपिंग का नो बॉल, देखना अब कितना महंगा पड़ता है गोटेगर बी टीम को। देखिए खेल की शुरुआत करनी है, प्रीतम जोशी मुड़ते हुए, बहुत लंबा रन अप है उनका, बैट्समैन लगभग ऑफ स्टंप के बाहर, ज्यादा सफल हुए थे, गेंद विकेट कीपर के पास चली गई है, डॉट गेंद, फ्रीट के गेंद पर कोई भी रन नहीं खर्च करते हुए प्रीतम जोशी। चार गेंदों पर अब तक उन्होंने 10 रन खर्च किए और सूरज की कीमती विकेट उन्होंने हासिल की है। वाडेकर टीम के खिलाड़ी, आपको कमेंट्री बॉक्स से हट जाना है, फोर्स करने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बना है, खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे की कोशिश, सही एंड पर थ्रो, लेकिन विकेट कीपर की गलती और दो रन पूरे। अमित भांडे के पास थ्रो चला गया था, इस वक्त विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए, लेकिन दो रन पूरे करते हुए 45 पर जाता हुआ स्कोर। अब जीत की तरफ कहीं ना कहीं अग्रेसर होती भी टीम बल्यानी, 7 गेंदे 12 रन, आजकल तो मार्केट में सिर्फ 7-12 ही चलता है और 7-12 का इक्वेशन आज प्रीतम देखना है ऊपर क्या कुछ हुआ है, विकेट कीपर बीट हुए, पीछे बैकअप था, कोई भी रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 45 रन बची भी, अब 6 गेंदे और 12 रन। ये मैच अभी भी इस वक्त देखा जाए नाइट में हम देख रहे हैं और नाइट में चेस करना उतना आसान नहीं रहता है, दिन के रोशनी में हम 6 गेंदों पर 20-25 चेस करते हुए अक्सर देखते, लेकिन नाइट में चेस करना उतना आसान नहीं रहता है। मैच अभी भी दोनों टीमों के लिए बैलेंस समान चलता हुआ। इस आखिरी ओवर की पहली 3 गेंदे बहुत निर्णायक होने वाली है, इस पर अगर बड़े हिट्स लगते तो फिर बल्यानी टीम जीत की तरफ बढ़ेगी और पहली 3 गेंदे अगर अच्छी निकल गई तो फिर गोटेगर मैच पर हावी हो सकती है। आखिरी और अंतिम ओवर के लिए ओमकार गेंदबाजी के लिए आते हैं, 6 में 12 बचाने के लिए इस वक्त ओमकार और 6 में 12 बनाने के लिए इस वक्त अमर और सचिन। आउटफील्ड में आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्कोर लेग, डीप कवर पर सम्मानी इस वक्त दुर्गेश टोके साहब का आगमन होता हुआ, शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली में हम खिलाड़ी देख सकते हैं बहुत रिलैक्स मूड में नजर आते हुए। लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा वाइड किया है, शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी, ओमकार की पहली गेंद हवा में उड़ा दिया है, लेकिन गेंद पहले बाउंस पर बाला इकारी का इशारा था, बस 4 रन।
देखिए किस तरह से शॉर्ट्स को खेला था, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में बहुत बड़ा गैप था और गैप में खेला था। काऊ कॉर्नर पर गेंद चली गई थी पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। 49 पर जाता हुआ स्कोर चौके के मदद के साथ। दूसरे दिन का दोस्तों आप देख रहे पहला ही मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ गोटेगर बी बनाम बल्यानी के बीच में। ओमकार की अगली गेंद और दी विकेट, देखना क्या कुछ हुआ है। लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट दिशा इन गेंद और वाइट घोषित करते हुए मुख्य अंपायर बाला इकारे। रनों का अर्धशतक होता हुआ 50 रन पूरे हो चुके 2 विकेटों के नुकसान पर। जीतने के लिए इस वक्त 7 रन चाहिए बची हुई 5 गेंदों पर। गेंद कारपेट के सारे जा रही है, आउटफील्ड में खिलाड़ी मौजूद, मिसफील्ड, अब जाके गेंद को उठाते हुए लेकिन 2 रन पूरे करते हुए। अब दोनों भी टीमें इस वक्त हार मानने के लिए तैयार नहीं है। 52 पर जाता हुआ स्कोर, जीतने के लिए अब 5 चाहिए, 4 गेंदे 5 रन। चेसिंग कंपलसरी, इस बात को ध्यान में रखना दोनों भी टीमों को। चार गेंदे 5 रन। ओमकार छोड़ने की कोशिश, देखना है शॉट को अवॉइड किया है नहीं बैट्समैन ने, वही इस वक्त बताते हुए बालाई करे बहुत अच्छा डिसीजन। गेंद को छोड़ने की कोशिश में गेंद शरीर से टकराती भी लगती हुई देखिए रिप्ले में। किस्मत वाले रहे कि उनका पैर और खड़े और लेग स्टंप के बाहर थे जिस तरह से रिप्ले में बताया गया था। तीन गेंदे और स्कोर इस वक्त बताते हुए जीतने के लिए 5 रन चाहिए, 52 रुका हुआ स्कोर। हाथों को मट्टी लगाकर तैयार होते हुए बैट्समैन। फिर से एलिवेशन नहीं बना है, खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे की कोशिश, तेज थ्रो और बैट्समैन आउट। कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रहे थे बैट्समैन आमर, ये देखिए अपने क्रीज बॉक्स से बहुत दूर थे और आउट होते हुए। यही तलाश थी विकेट की और कहीं ना कहीं क्या दूसरे की जरूरत थी। अब आने वाला वक्त बल्यानी टीम को बताएगा जिस तरह से आमर आउट हुए। नए बैट्समैन अब हरेश, गेंदे बची अब 2 और जीतने के लिए रन चाहिए इस वक्त 4। दो गेंदे जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। ओमकार परटोले इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। नए बैट्समैन हरेश सामना करते हुए। ओ हो, गेंद ने काटा बदल दिया है और इसके साथ इस मैच को जीत लिए। अनेक अनेक अभिनंदन बल्यानी टीम, हार्ड लक टफ लक गोटेगर बी। वाले